بسم الله الرحمن الرحيم. अज़ान ग्रामी ढूंढने निकलेंगे तो आपको बेशुमार नेकियां मिलेंगी, और यकीन जाने अज़ान ग्रामी रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उस वक्त सर उठाना मुश्किल हो जाएगा जब परवरदिगार हमारे सामने हमारी अपनी फाइल खोलेगा। मैं सिर्फ एक जुमला अर्ज़ करना चाह रहा हूं, एक इमेजिनेशन है, कोई रिवायत नहीं है इसके पीछे, और आपको डिनाई करने का इख्तियार है, आपको मुखालफत करने का इख्तियार है, मेरी बात कबूल न करने का इख्तियार है। लेकिन अज़ान ग्रामी अजीब है निज़ाम परवरदिगार, अजीब है निज़ाम दुनिया। बाज़ औक़ात इंसान किसी गरीब को देखता है, दिल में दुआ मांगता है, परवरदिगार काश तूने मुझे कुछ दिया होता, मैं कम अज़ कम इतना तो करता कि इस गरीब के बच्चे को जूते दिला देता। नहीं है पैसा जेब में, आपने नेकी की नीयत की, परवरदिगार ने आपके नाम अमल में नेकी लिख दी, वो बड़ा करीम है। नेकी करने से पहले नेकी की नीयत पर अजर दे दिया करता है, सवाब लिख दिया करता है। लेकिन अज़ान ग्रामी इसका अगला सफा भी है, अगला सफा ये है कि तुम्हें पता भी ना चला, तुम्हारे वहम गुमान में भी ना था, तुम खुद भी इतने मालदार आदमी नहीं थे, लेकिन परवरदिगार ने वाकई किसी ऐसी जगह से करम कर दिया जो हमेशा मिलता था, इस मरतबा 1000 रुपए ज्यादा मिल गए। अब आप भूल भी गए थे कि एक हफ्ता पहले मैंने क्या नियत की थी, मैंने क्या खुदा से दुआ मांगी थी। जब 1000 मिल गए तो अपने बच्चे के जूते याद आ गए, अपने बच्चे की किताबें याद आ गई, अपने बच्चे का बैग याद आ गया, अपने बच्चे का पेंसिल याद आ गया। जिसके लिए दुआ मांगी थी उसकी बात याद ना आई, कयामत के मैदान में खुदा दिखाएगा, बंदे खुदा मैंने तुझे, तूने जो मांगा था दे दिया था, तूने अपना किया हुआ वादा क्यों पूरा नहीं किया। اللهم صل على محمد وآل